क्लास नाइन्थ एनसीईआरटी पेज नंबर 103 क्वेश्चन नंबर 1 इन टेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन इज व्हेन विल यू से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन जो है हम कैलकुलेट करते हैं किससे, वेलोसिटी और टाइम के रिलेशन से. चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. और दूसरा डेफिनेशन क्या लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. ठीक, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इट मींस वेलोसिटी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो अब यूनिफॉर्म बताना है और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बताना है. तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए कब हम बोलेंगे यूनिफॉर्म है, जब उसका वेलोसिटी और टाइम इंटरवल एक जैसा चेंज होता हुआ मिले. मतलब वेलोसिटी 1 किलोमीटर पर आवर है तो 1 किलोमीटर पर आवर ही मिलेगा. टाइम 1 आवर है तो हर 1 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए, हर 1 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए टाइम 1 आवर मिलेगा. इक्वल डिस्टेंस जैसे पहले हम लोग पढ़ते थे, तो इसमें इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक, तो वो क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा. अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी चेंज विद अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. तो वेलोसिटी का वैल्यू अलग अलग मिलेगा जबकि टाइम कांस्टेंट रहेगा एक जैसा. 1 आवर है तो हर एक डिस्टेंस के लिए 1 आवर होगा, लेकिन वेलोसिटी उसकी चेंज होती चली जाएगी. इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, वो बॉडी कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन.